नमस्कार, सिरसा आंचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। दिल्ली में बारिश होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली। सिरसा में आजकल चैन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह सक्रिय है। इस पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने लालबत्ती चौक पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल और यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए चालान काटे। सिरसा के SI रामचंद्र ने बताया कि इन दिनों सिरसा में मोटरसाइकिल चोर काफी सक्रिय हो गए हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है। बिना नंबर के वाहन व मुंह पर कपड़ा ढांप कर चलाने वाले लोगों की पहचान करने के लिए मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति शक के घेरे में हो तो उससे पूछताछ की जा सके। इस अभियान से पहले भी हमने 3-4 मोटरसाइकिल गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। ट्रैफिक के चालान कर रहे हैं, इससे जना कानून व्यवस्था और यातायात सुचारू रूप से चलती है और संदिग्ध व्यक्तियों पर इसके ऊपर नजर रखी जाती है और जो इलीगल जो व्हीकल चलते हैं उनके चालान किए जाते हैं, ताकि आने समय में हर आदमी अपने कागजात पूरे रखे है और अपनी कानून व्यवस्था ठीक रहे। आइंदा आदमी अपने लाइसेंस जारी कराए और अपनी RC रखे, पॉल्यूशन रखे, प्रदूषण सर्टिफिकेट रखे और बीमा रखे। और हालात को देखते हुए ये ट्रैफिक की चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। करीब 10 चालान कर दिए, करीब 10 चालान। वारदातों को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से, यातायातों को सुचारू रूप करने के लिए और इसलिए किए जाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को चेक करने के लिए इसलिए किया जाता है। उधर 1 से 30 जून तक चल रहे इनेलो के जन जागरण के दौरान आज एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में कई गाँव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। अभय सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि किसानों की जमीन सस्ते रेट पर खरीदकर सरकार प्रॉपर्टी डीलरों को महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रही है। सिरसा जिले में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि जिले में अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। लोग पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाते हैं तो थानेदार सुनवाई नहीं करते। SP पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। पुलिस के बड़े अधिकारी रिश्वत खा रहे हैं तथा थानेदार बड़े अधिकारियों के एजेंट बने हुए हैं। अभय सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि उक्त सभी समस्याओं का एक ही समाधान है और वह है इनेलो का शासन। जब प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से लगता है कि जल्द ही उपचुनाव होंगे तथा इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 11 जून को सिरसा बंद करके जिले के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया था। टेबल की चोरी से थानेदार बोले बोले भाई अरे छोड़ दो, मैं पूछताछ करूंगा, जाऊंगा छोड़ के आ गया वहां चोरान बेचारी है, दोबारा जाके फिर गाऊंगा फिर भी मारा चोर पकड़ेगा हमारी केबल को। तो कहने लगे चोर को जी तो गलत आदमी लिया है, ठीक है तो छोड़ दिया। मैं केबल बेच गया था, पीछे थानेदार ने दे दिया था, आप खाए ऊपर कोई सुनने वाला नहीं। इस सारे मामले में लेके कानून व्यवस्था ने, भ्रष्टाचार ने, महंगाई ने 11 तारीख ने सारो सब सजिलो बंद करे हो, शहर के लोगों में थारो पूरा सहयोग करो, क्योंकि मैं थानों ज्यादा दुखी परेशान है। आपने परेशानी तो बिजली की है, पानी की है, महंगाई की है, पंगत एक और मोटी परेशानी। अगर कोई व्यापारी आपके बैंक को रुपया लेके दुकान पर लावे तो लूट ले, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर बाहर खड़े कर दे तो ले गए, पंगत एक आ दिक्कत भी है कि भंग अगर कोई और मंदिर गुरुद्वारा जावे अगर गलन को चैन डाले दी तो भाभी खोस के ले जाए, अगर बाढ़ खेत में खान लाग गई तो फिर खेत में क्यों सी गए। सरकार चलाने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA अगर लोगों को पीछे लेने लग जाएगा, रिश्वत लेने लग जाएगा, मारने लग जाएगा,
उत्तर प्रदेश की हालत बिगड़ेगी सुधरेगी। सिरसा में कबीर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर तरह तरह की झांकियां भी शोभा यात्रा में दर्शाई गई। पिछले दिनों शहर में कबीर जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कबीर के भक्तों ने कबीर जयंती को नाच गाकर और रंग बिरंगी झांकियां निकालकर मनाया। सूरत गढ़िया चौक पर रेबन के चश्मे की दुकान का उद्घाटन हुआ। गौरतलब है कि यह शोरूम सिरसा में पहली बार खुला है। गुप्ता चश्मा घर के मालिक सतीश गुप्ता ने समारोह में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। शराफा बाजार और मंडी की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमरजीत के पास। शराफा बाजार में आपका स्वागत है, मैं हूं अमरजीत। आज सिरसा में सोना 22,545 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 53,600 रुपए प्रति किलो रही। अब आपको मंडी की तरफ ले चलते हैं। आज सिरसा में जौ 1180 रुपए प्रति क्विंटल बिका, वहीं सरसों 2410 रुपए प्रति क्विंटल रही। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में 20 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसी 20 रुपए गिरावट के साथ गेहूं का मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आज सिरसा में सारा दिन गर्मी का एहसास रहा। आज सिरसा में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री रहा। धन्यवाद अमरजीत। बिजनेस टुडे की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सावंत के पास। बिजनेस टुडे में आपका स्वागत है, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। आज निफ्टी 30.35 की गिरावट के बाद 5,366.40 पर बंद हुई। आज निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 5,421.15 रहा और लोएस्ट पॉइंट 5,355.85 रहा। इसके अलावा यदि बात करते हैं बीएससी की, तो आज सेंसेक्स 115.35 की गिरावट के बाद 17,870.53 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स का हाईएस्ट पॉइंट 18,064.76 रहा और लोएस्ट पॉइंट 17,844.09 रहा। बिजनेस टुडे में आज के लिए इतना ही, बाकी सिरसा अचल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद सुरेंद्र। सिरसा अचल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।